सबसे पहले स्टडी मटेरियल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एक पोएम अ फोटोग्राफ। दिस पोएम इज रिटन बाय शर्ली टाउल्सन। यहाँ पे शर्ली टाउल्सन जो है वो एक्सप्रेस करती हैं कि वो अपने मदर के डेथ के बाद उन्हें कितना ज़्यादा मिस करती हैं। इस पोएम के थ्रू उन्होंने बताया है कि उनके लिए उनकी मदर का लॉस कितना ज़्यादा बड़ा लॉस है एंड उनकी मदर की डेथ को अब मोर देन 12 इयर्स हो चुके हैं और वो अपनी मदर की फ़ोटोग्राफ उठाकर देखती हैं और उनका चाइल्डहुड देखती हैं कि उनका चाइल्डहुड कैसा था और उनकी मदर कैसी दिखती थी। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि जो पोएट है अपनी मदर की एक फोटोग्राफ देख रही है। नाउ लेट्स कम टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट लाइन इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड उस बोर्ड को बोला गया है जिस पे फोटोग्राफ फिक्स है। ये फोटोग्राफ किसकी है? ये फोटोग्राफ पोएटिस की मदर की है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तो कार्डबोर्ड दिखाता है उन्हें कि उस टाइम पे कैसा था। वेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब है यहाँ पे चलना, वॉकिंग। तो ये जो फोटोग्राफ है पोइटिस की मदर की, इसमें पोइटिस की मदर और उसकी मदर की दो कजन्स भी हैं साथ में। तो यहाँ पे लिखा है टू गर्ल कजन्स। तो ये जो फोटोग्राफ है ये उस टाइम की फोटोग्राफ है जब पोइटिस की मदर कहीं बाहर घूमने गए थे और उन्होंने उस टाइम पे ये फोटोग्राफ क्लिक करी थी। तो इस फोटोग्राफ में तीन गर्ल्स हैं जिसमें कि सेंटर में पोइटिस की मदर हैं और उनके आसपास मदर की दो कजन्स हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। अब यहाँ पे फोटोग्राफ को डिस्क्राइब करा है कि जो पोइटिस की मदर है वो फोटोग्राफ में बिल्कुल सेंटर में खड़ी है और आसपास जो दो गर्ल कजन्स हैं उन्होंने पोइटिस की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, शी का यहाँ पे मतलब है पोइटिस का मदर। द बिग गर्ल मतलब कि वो उन दोनों कजन से बड़ी हैं, सम 12 इयर्स और सो। तो ये उस टाइम की फोटोग्राफ है जब पोइटिस की मदर 12 इयर्स की थी, अराउंड 12 इयर्स की थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन। अगेन द पोएट सेज ऑल थ्री स्टूड स्टिल। जो तीनों गर्ल्स थी वो बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी, स्टिल मतलब बिना किसी मूवमेंट की खड़ी हुई थी। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि जो तीनों गर्ल्स थी फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए जब स्टिल खड़ी हुई थी बिना किसी मूवमेंट के और स्माइल कर रही थी थ्रू दे हेयर, मतलब कि उस वक्त वहाँ पे बहुत विंड चल रही थी और उनके फेस पे हेयर आ रहे थे। तो दे वर स्माइलिंग थ्रू दे हेयर, तो फेस पे हेयर आ रहे थे और फिर वो स्माइल कर रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, तो वो किसे स्माइल कर रही थी? वो कैमरा को देख के स्माइल कर रही थी और वो कैमरा उनके अंकल ने पकड़ा हुआ था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फोटोग्राफ अंकल ने क्लिक करी थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स। नेक्स्ट पोइटिस अपनी मदर का फेस डिस्क्राइब करती हैं कि उसकी मदर का फेस बहुत स्वीट लग रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और वो ये भी कहती हैं कि ये फोटोग्राफ तब ली है जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, ये बहुत पहले की फोटोग्राफ है, इट्स क्वाइट ओल्ड। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब वो जो फोटोग्राफ है वो सी शोर की है, तो मे बी जो पोइटिस की मदर है अपने कजन्स और अंकल के साथ किसी बीच पे घूमने गई होगी, किसी सी साइड पे घूमने गई होगी जहाँ पे बहुत तेज विंड चल रही थी और वो सब इंजॉय कर रहे थे, फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे थे। और जो सी है, जो फोटोग्राफ में सी दिख रहा है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फोटोग्राफ में जो पोइटिस की मदर है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं एंड शी इज नो मोर। नेक्स्ट शी सेज वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्प्रेरी। तो जो सी था उसके जो वेव्स आ रही थी वो पोइटिस की मदर की फीट को वॉश करती हुई जा रही थी और उनके फीट को
ट्रांजिएंट बोला गया है, टेम्प्रेरी बोला गया है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं, वो टाइम के साथ चेंज होते हैं एंड दे हैव टू डाई वन डे और दी अदर, तो इसलिए उन्हें टेम्प्रेरी बोला गया है। ऑन दी अदर हैंड जो नेचर की चीज़ें होती हैं जैसे कि सी, दीज थिंग्स आर मॉर्टल, ये टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होती, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता एंड दे रिमेन फॉर एवर, ये कभी मरती नहीं है। जैसे कि ह्यूमंस हैं वो पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं, लेकिन सी, रिवर्स, लेक, ये सब जो चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स वगैरह, ये सब नेचर के ऑब्जेक्ट्स होती हैं और ये इनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता और ये ट्रांजिएंट नहीं होते। तो यहाँ पे एक कंट्रास्ट दिखाया है कि सी जो कि ट्रांजिएंट नहीं है वो पोएटस की मदर के ट्रांजिएंट फीट वॉश करते हुए जा रहा है। सो अ सिंपल इमेज जिसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज है।